हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ आ ही गया होगा, मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ दो मोबाइल DIY केसेस। केसेस को बनाने के लिए हम एक मिक्सचर का यूज़ करेंगे, जिसे हम प्रिपेयर करेंगे टेलकम पाउडर, फेविकोल और एक्रेलिक कलर से। तीनों प्रोडक्ट को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम एक स्पंज की हेल्प से बेस कोट दे देंगे। पहले मोबाइल कवर बनाने के लिए मैं मोबाइल के बैक पोर्शन पर डायरेक्ट ये मिक्सचर अप्लाई कर रही हूँ। मैं इस मिक्सचर के दो कोट करूँगी ताकि जो भी हम कलर करें उस वो अच्छे से इन्हेंस होकर आए। एक कोट देने के बाद हमें पहले इसको ड्राई होने के लिए रखना पड़ेगा, उसके बाद हम इस पर सेकेंड कोट देंगे। जब हमारा ये बेस को ड्राई हो जाएगा तो हम उस पर पेंसिल से जो भी हमें इमेज बनानी है हम उसको पहले ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल एक्रेलिक कलर से इसको पेंट कर देंगे। जब हमारा इमेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम इस पर वापस ब्लैक कलर कर देंगे।
क्योंकि ब्लैक कलर में ये इमेज बहुत अच्छे से इनहेंस होकर आएगा। फाइनल कवर हमारा इस तरह से बन के आया है। इस डिज़ाइन को सिक्योर करने के लिए आप इसके ऊपर वार्निश का एक कोट कर सकते हैं। मैंने दोनों कवर को एक साथ वार्निश का कोट दिया है, वो आपको लास्ट में देखने को मिलेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मोबाइल कवर की तरफ। मैंने नॉर्मल सिलिकॉन कवर जो मोबाइल के साथ आता है उसका यूज़ कर रही हूँ। उसके ऊपर मैंने जो मिक्सचर प्रिपेयर किया था उससे बेस कोट दे दूंगी। इसमें भी दो कोट का यूज़ होगा। बेस कोट ड्राई होने के बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पर एक इमेज जो मैंने नॉर्मल A4 सीट पर प्रिंट कराया था, उसको मैं अच्छे से साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पर फेविकोल और वाटर का एक मिक्सचर प्रिपेयर करूँगी। 2:1 की रेशियो में यहाँ पर 2 पोर्शन फेविकोल होगा और 1 पोर्शन होगा वाटर का। ये एक मौज पोज की तरह काम करेगा। इसको मैंने पहले इमेज पर अच्छे से ग्लू को लगा दिया है। उसके बाद मैं इसे कवर के ऊपर अच्छे से पेस्ट कर दूँगी। इसको बहुत स्लोली आराम से पेस्ट करना है, केयरफुली, ताकि कोई भी बबल इसके ऊपर ना आए। उसके बाद हम इसी ग्लू का एक कोट इमेज के ऊपर भी कर देंगे, जिससे कि ये लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर हो जाएगा। अगर आप कभी बाई चांस गीले हाथों से इसको टच भी करते हैं तो इमेज ख़राब नहीं होगी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन दूंगी जो हमने प्रिंट यहाँ पे फोटो यूज़ किया है उसको मैं एक बॉर्डर दूंगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये क्ले का, मोल्डेड क्ले का। उसको हम, इसमें दो प्रोडक्ट होते हैं, रेजिन और हार्डनर, दोनों को हम अच्छे से मिक्स करके रोल करके एक हम बॉर्डर प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ट्विस्ट करके इस तरह से फ्रेम बना लेंगे। उसके बाद हम ग्लू की हेल्प से इसको पेस्ट कर देंगे अच्छे से चारों तरफ। We'll be right back.
भी क्ले का बॉर्डर ड्राई हो जाए तो हम इस पर पेंट कर देंगे। उसके बाद जो ये केस का ऊपर का पोर्शन बचता है उसके ऊपर मैं टील ब्लू कलर यूज़ कर रही हूँ, कि नॉर्मल एक्रेलिक कलर है जिसका जिससे मैं इसको अच्छे से पेंट कर दे रही हूँ। ब्लू कलर को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए मैं बॉर्डर के ऊपर क्ले का जो बॉर्डर हमने बनाया था उसके ऊपर मैं ब्रॉन्ज कलर का यूज़ कर रही हूँ। ये ब्रॉन्ज कलर बहुत ही वाइब्रेंट हो गया था तो मैं इसको एक सटल लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर पर्ल मेटेलिक कलर की एक कोटिंग हल्के हाथों से ऊपर की है इसके ऊपर अप्लाई किया था ताकि इससे एक सटल कलर आ जाए और एक शाइन भी आ जाए। हमारे दोनों कवर इस तरह से बनके रेडी है। अब हम इसको सिक्योर करने के लिए अब मैं इस पर वार्निश की एक कोटिंग करूँगी। मैं यहाँ पर वार्निश की कोटिंग करने के लिए फैन ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। वार्निश की कोटिंग करने से एक तो ग्लॉसी फिनिश आ जाएगी और ये वाटर रेजिस्टेंट हो जाएगा। अगर आप इसको बाई चांस कभी गीले हाथों से टच करते हैं तो ये आपके डिज़ाइन को इमेज को ख़राब नहीं करेगा। अगर आपको ये DIY फ़ोन केस पसंद आया तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, टू हिट लाइक बटन और बेल बटन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। थैंक यू सो मच।